फ्रेंड्स, हिंदी की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बसंत दो के पाठ पांच मिठाई वाला पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1899 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के मंगलपुर गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 8 मई 1973 को दतिया मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें कहानी मधुपर्क, हिलोर, खाली बोतल, उपहार, दीपमालिका, बाती और लो। इनके प्रमुख नाटक हैं राय पिथौरा और छलना। कविता संग्रह हैं ओस की बूंद। इनके प्रमुख उपन्यास हैं प्रेम पथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी, दो बहनें, मनुष्य और देवता। इन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनके नाम हैं उर्मी और आरती। मिठाई वाला पाठ में लेखक ने एक फेरी वाले के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का अध्ययन कराया, जिसमें वो बच्चों के मनपसंद चीजें ला ला कर गलियों मोहल्लों में बेचता है और बच्चे उसकी आवाज सुनकर उसके पास दौड़े खींचे चले आते हैं। सस्ते और कम दामों में वो खिलौने देकर बच्चों को प्रलोभित करता है। मिलता तो उसे कुछ नहीं है प्रॉफिट के तौर पे, फायदे के रूप में, लेकिन एक आत्मीय संतोष उसे जरूर मिल जाता है। पहले वो खिलौने वाला, बाद में मुरलियां वाला और अंत में मिठाई वाला बनकर गलियों में घूमता रहता है। ऐसे ही एक दिन उसका सर सुनाई दिया, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस तरह की धुन गली में एक छोर से दूसरे छोर तक गूंजने लगती है। बच्चे उसकी आवाज सुनकर उसके पास दौड़े चले आए और इस तरह की आवाज लगाने लगे तो अपनी तोतली भाषा में, हम भी लेंदे, हम भी लेंदे, हम भी लेंदे। यहाँ पे सभी बच्चों को वो दो दो पैसे में खिलौने दे देता है। रोहिणी के बच्चे भी अपने लिए एक एक खिलौने लेके आते हैं। वो माँ को दिखाते हैं कि ये हमने दो दो पैसे में खिलौने खरीदे। वो एक दूसरे से बातें करते, मेला धोला कितना अच्छा है, मेला हाथी कितना अच्छा है। इस तरह से बच्चे तोतली भाषा में एक दूसरे को अपने खिलौने के बारे में बखान करके बताते हैं। रोहिणी इस चीज को देखकर वो सोच रही थी कि आखिर इतने अच्छे खिलौने इतने सस्ते दामों में वो क्यों दे जाता है, उसको क्या भाव पड़ता होगा और वो इन चीजों से कितना लाभ कमाता होगा। इस तरह के विचार उसके मन में आते रहते।
कुछ दिनों के बाद उसे फिर से यही स्वर सुनाई देता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। जी। हाँ सुनो सर जी,